नमस्कार जी। नमस्कार। आवाज नहीं आ रही। हाँ जी, कैसे हैं साहब? बढ़िया। कैसे देख रहे हो? लोकसभा का चुनाव है, बहुत जोर शोर से चल रहा है। कैसे देख रहे हो पूरा चुनाव, और खासकर पूरी दिल्ली लोग, का? आपको मेरी आवाज आ रही है रमाशंकर हाँ बिल्कुल आ रही, बिल्कुल राइट राइट। जी? बहुत सुंदर चल रहा है और देश में, मैं देखना है हम और आप इस बात को समझ लें कि इस देश के अंदर चुनाव चल रहा है। आम चुनाव कहते हैं इसको, 2024 का चुनाव है और तीसरी बार सरकार बनाने के लिए मोदी जी अपना भरसक प्रयत्न कर रहे हैं। और ये भी आप देख रहे होंगे पूरे समाज में, पूरे शहर में, पूरे देश में देख रहे होंगे इस बात को लेकर के कि चुनाव कोई अगर लड़ रहा है तो सिर्फ बीजेपी ही चुनाव लड़ रही है। बाकी जो दल हैं, चाहे आम आदमी पार्टी हो या अदर्स हो या अलायंस हो, चाहे वो इंडी गठबंधन क्यों ना हो, वो चुनाव नहीं लड़ रहे। वो मोदी जी को सिर्फ और सिर्फ मोदी जी को गाली दे रहे हैं। उनके पास मुद्दे नहीं है चुनाव लड़ने के लिए, कोई से भी चुनाव सिर्फ लड़ रही है तो बीजेपी लड़ रही है। और इसलिए बीजेपी बहुत इस बात को लेके अपनी तरफ से पूरी तरह से तैयार है कि वो 400 पार का जो नारा दिया है ना, बहुत कुछ सोच समझ के दिया है। क्योंकि उन्हें पता है इंडी गठबंधन अपने आप में गठबंधन लड़ रहा है, क्योंकि उनके पास में पीएम नहीं है कोई भी। राहुल पीएम बनना चाह रहे हैं, समाजवादी पार्टी का नेता पीएम बनना चाह रहा है, गठबंधन जनता दल का पीएम बनना चाह रहा है, टीएमसी की नेता पीएम बनना चाह रही है। तो जितने भी गठबंधन में, अलायंस में जितने भी लोग हैं, उस समय से एक एक पीएम बनना चाह रहा है। अभी तक जब जहां ये डिसाइड ना हो जाए कि पीएम बनेगा कौन, तो लोग वोट नहीं डालेंगे उनको। वोट नहीं, सिर्फ वो और तो कह सिर्फ रहे हैं कि अटका पे डलने वाले हैं। आप अपना नेता बाद में चुनेंगे। आप बता दीजिए नेता कौन है उनके पास में। वो कह रहे हैं हम बाद में चुनेंगे, देखेंगे कौन अरे सा वो क्या कह रहे हैं आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत दुनिया को देखते हैं, आप चैनल चला रहे हैं, आपकी खबरों को दुनिया सराहती है, तो आप ही बता दीजिए उनके पास में कौन है, या आपकी दृष्टि में कौन है पीएम बनने के योग्य। नहीं, हम वो कह नहीं कह रहे रहे हैं पीएम कि मोदी को, मैं नहीं कह रहा पीएम मोदी को बनाइए आप। आपकी दृष्टि में पीएम कौन है? अरे खड़गे साहब ने खुद कहा कि अभी डिसाइड नहीं करेंगे, हम बाद में डिसाइड करेंगे। मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपसे जानना चाह रहा हूं, मेरी एक मन में ख्वाहिश है ये जानने की कि आप जैसे पत्रकार की दृष्टि में कौन नेता है जो पीएम के योग्य है। भाई वो पार्टी का डिसाइड डिसीजन है ना, जैसे मान लो नहीं, बीजेपी पार्टी का डिसाइड नहीं, पार्टी नहीं, ये किया। इनके, मैं आपको यहां थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूंगा रमाशंकर जी, ये पार्टी की बात नहीं कर रहा, मैं अलायंस की बात कर रहा हूं। और अलायंस को भी भूल जाइए, मैं आपसे पर्सनल पूछना चाह रहा हूं, आपसे पर्सनल मैं जानना चाह रहा हूं कि आप हमें बता दीजिए कि इस समय मोदी को छोड़ करके कौन पीएम के योग्य है? देखा, पीएम की तो अभी कोई विकल्प है नहीं ना, और जनता भी अभी पीएम का विकल्प विकल्प नहीं ढूंढ पा रही है। ये बात पीएम का सही विकल्प नहीं ढूंढ पा रही है, तभी तो मैं यहां पे आपको ये कहना चाहता हूं कि भाजपा सिर्फ और भाजपा, इसीलिए मोदी के अलावा कोई विकल्प नहीं है देश के पास, पूरी देश की जनता के पास कोई विकल्प नहीं है कि सिर्फ मोदी को ही चुनेंगे, क्योंकि उन्होंने अपना फेस पहले से ही रखा हुआ है। और आपको मैं बता दूं, 10 साल हो गए मोदी जी को पीएम बने हुए, और मोदी जी की जो अच्छाई है और जो बुराई है वो सब जनता के सामने है। पहले 5 साल सीखने में चले गए, 5 साल देश को चलाने में चले गए, अब 5 साल जो है वो इस देश को टॉप पर पहुंचाने में से जाने वाले हैं। तो इसलिए बार बार कह रहे हैं कि फिर एक बार मोदी सरकार, और जो 400 पार का जो नारा दिया है ना, बहुत सोच समझ करके दिया है। बहुमत में तो वो बहुत पहले से ही थे, लेकिन 400 पार का जो नारा दिया है वो बार बार कहते ना, मैं अभी तक जो आपने देखा है वो सब ट्रेलर था, अब विकास की बारी है, तो 400 पार इसलिए उन्होंने नारा दिया है। लेकिन अलायंस तो महंगाई की बात कर रहा है ना, शिक्षा स्वास्थ्य बेरोजगारी की बात कर रहे हैं इंडिया गठबंधन वाले, और तमाम उनके पास तमाम बातें हैं करने के लिए बहुत सारी, और यह भी कह रहे हैं कि तानाशाही है मोदी जी की। नहीं, मैं उनकी बात नहीं करूंगा, मैं आप पत्रकार हैं और गठबंधन की बात करेंगे तो गड़बड़ जाएगा। विपक्ष यह कह रहा है कि तानाशाही है, हमें बोलने नहीं दिया जा रहा है, हमारे नेताओं को जेल में डाल दिया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं अभी तो इफेक्ट है ना, जनता देखेगी। नहीं, किसको जेल में डाल दिया? एक केजरीवाल है, वो शराब के कांड में गए हैं। शराब की भी मैं आपको बता दूं, शराब के कांड में दिल्ली की जो दुर्दशा आपने अपनी आंखों से देखी है, एक के साथ एक फ्री मिली, लोगों ने जी भर के पी, अपने बच्चों को पिलाई, अपने पड़ोसियों को पिलाई, अपनी बीवी तक को पिला दी, क्योंकि फ्री मिल रही है, एक के साथ एक मिल रही है। और फिर बाद में क्या हो रहा है, तो आपस में बीवी पति, बीवी जो है पति को पेल रही है और पति बीवी को पेल रहा है, और बच्चे आपस में पति पत्नी को पेल रहे हैं। एक ऐसा दृश्य देखने को मिला, एक के साथ एक फ्री में, और उसी के अंदर उसी मैटर को लेकर के केजरीवाल आज जेल में है, क्योंकि लीकर की जो पॉलिसी आई थी,
आपकी जानकारी के बता दूं, मैं आपको अच्छे से पता होगा इस बात का कि इस पॉलिसी से पहले, इस पॉलिसी से पहले जो कमीशन मिलता था वो डीलर यानी शराब के जो विक्रेता थे, जो दुकानदार थे या ठेकेदार कहते हैं उनको, हम जो एक एक साल का जो ठेका मिलता उनको 2% कमीशन मिलता था, 2%। ठीक, जैसे ये पॉलिसी आई उनका जो कमीशन है 12% हो गया, यानी कि सीधे सीधे 10% बढ़ा दिया। अब 10% बढ़ाया है, क्यों बढ़ाया है? क्योंकि जो शराब माफिया थे जिन्होंने नई नई दुकान खोली थी वो कमीशन के रूप में पैसा देंगे। अब वो पैसा कहां जाएगा? चुनावों में जाएगा। तो उन्होंने इस पैसे से चुनाव भी लड़ लिया और दो सीट गोवा में लेकर के आए थे विधानसभा के अंदर, आपको अच्छे से पता होगा इस बात का। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, दो सीट आई। पंजाब का चुनाव लड़ा, पंजाब पूरी तरह से उन्होंने फतेह कर लिया। पहले पंजाब के बारे में यही केजरीवाल क्या कहते थे, उड़ता हुआ पंजाब, उड़ता पंजाब, बिल्कुल उड़ता पंजाब। आज आपको मैं याद दिलाना चाहता हूँ, आप एक पत्रकार हैं, एक बहुत अच्छे पद पर बैठे हुए हैं, अच्छे चैनल को चला रहे हैं, आपकी बखत करते हैं लोग, आपको जानते हैं अच्छे से। उड़ता हुआ पंजाब का नारा भी इन्हीं केजरीवाल ने दिया था और आज उसी पंजाब के अंदर फिर शराब भी सस्ती हो गई है, गांजा भी सस्ता हो गया है, हर चीज वहां सस्ती होती जा रही है। और वो उड़ता हुआ जो पंजाब है ना भाई साहब, इस समय पंजाब की स्थिति देखिए, वहां पर ड्रग्स की वजह से रोजाना लोग मर रहे हैं। जहां जहां ये आम आदमी पार्टी चुनाव जीत करके गई है वहां पर ऐसे इन्होंने रास्ते खोल दिए हैं कि जनता जो है कोई आपस में मार मार के पीट पीट के मर लेंगे, कुछ दारू पी के मर लेंगे, कुछ नशे में इतने लिप्त हो जाएंगे कि वो ऑटोमेटिकली उनका सर्वनाश हो जाएगा। यानी कि कुछ महिलाएं विधवा भी होंगी, कुछ महिलाएं लड़ेंगी, मरेंगी, कटेंगी, पिटेंगी, इस तरह की स्थिति केजरीवाल ने हमारे इस देश के अंदर पैदा कर दिया। अच्छा, अगर दिल्ली की बात करी जाए तो क्या आम आदमी पार्टी और कांग्रेस आपस में एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे या एक दूसरे को साथ नहीं दे पा रहे? बहुत अच्छा विषय आपने लिया है और मैं आपका आभारी भी हूं इस बात को लेकर के। मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं, जब केजरीवाल की सरकार बनी थी उस समय आपको याद दिलाना चाहता हूं, तो इन्होंने सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के खिलाफ आवाज उठाई थी और जो पुलंदा था बोरी हाथी, ठीक उस समय की बात को याद दिलाना चाहता हूं, उस समय कांग्रेस को टारगेट किया था और कांग्रेस के खिलाफ में इनके पास में बोरी भरे हुए बंडल सबूतों के होते थे। और भूलिए मत आप इस बात को, इस समय कांग्रेस को खत्म करने वाली कोई पार्टी है तो आम आदमी पार्टी है। सारा का सारा वोट पलट करके आम आदमी पार्टी में जो गया कांग्रेस का गया, बीजेपी का 1% वोट भी इधर से उधर नहीं हुआ है। ठीक, तो इस समय इनमें कंप्रोमाइज भी हो गया, अलायंस भी हो गया दिल्ली के अंदर, 4 पर आम आदमी पार्टी लड़ रही है, 3 पर कांग्रेस लड़ रही है। लेकिन दुखती रग पर हाथ रख दिया है कांग्रेस के जो लोग हैं उनके अंदर ये बात घर कर चुकी है कि अगर कांग्रेस को खत्म करने वाली कोई पार्टी है तो वो आम आदमी पार्टी है। इसलिए आम आदमी पार्टी को वोट नहीं देंगे कांग्रेस वाले, वो वोट देंगे कांग्रेस से निकल करके और आम आदमी पार्टी से निकल करके वो बीजेपी को वोट देंगे। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि ये कांग्रेस ने क्या खेल खेला है कि किसी तरह से उसकी लाज बच जाए। लाज नहीं बच रही, कांग्रेस के ही कार्यकर्ता, कांग्रेस के ही जो बहुत धुंधल लोग हैं वो इस बात को लेकर के बहुत नाराज हैं कि जिस पार्टी को आम आदमी पार्टी ने खत्म किया था कांग्रेस को, और वही कांग्रेस आज उसके टट्टे चूम रही है, उसके पैरों में पड़ी है, उसके नखड़े कर रही थी कि किसी तरह से कंप्रोमाइज और अलायंस हो जाए। लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं बोले, वो राहुल ने ये फैसला लिया होगा कि ये अलायंस हो जाए, लेकिन जनता इस बात को लेकर, कांग्रेसी वोटर्स हैं वो इस समय बीजेपी के साथ खड़े हैं। और क्यों खड़े हैं उसका एक कारण मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया है इस बात को लेकर के, कि आप समझिए जो कांग्रेसी थे, कांग्रेस को खत्म करने वाली आम आदमी पार्टी, अब उनका जो दर्द है वो दिल का दर्द है, यहाँ का दर्द है, वो आम आदमी पार्टी को वोट नहीं देंगे कांग्रेसी, वो बीजेपी को वोट देंगे। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, इस बार 400 पार। और मैं ये भी बता देता हूं आपको कि जो हमारे देश की जो इस समय सबसे बड़ी पार्टी, इस विश्व की सबसे बड़ी पार्टी अगर कोई है तो वो है भारतीय जनता पार्टी। इससे बड़ा कैडर देश में किसी के पास नहीं है, किसी के भी पास। सारा कैडर कांग्रेस का खत्म हो चुका है। आम आदमी पार्टी का कैडर इतना डरा हुआ है इस बात को लेकर के भैया हम उसमें रहेंगे तो हम भी जेल जाएंगे, तो वो वहां से भगदड़ मची हुई है। आपने देखा ना, अपने आपके दो दो नेता, आपके दो दो मंत्री आम आदमी पार्टी दिल्ली से रिजाइन करके घर बैठ गए। लेकिन आम आदमी पार्टी के नेता तो खुले मंच से कह रहे हैं कि जनता केजरीवाल के सिंपैथी दिखा रही है, केजरीवाल के नाम पे वोट देगी।
जनता नहीं कह रही, ये सिर्फ और सिर्फ पार्टी कह रही है अपनी लाज को बचाने के लिए कह रही है कि उनकी लाज किसी तरह से बचे, लाज बच नहीं रही, वो खत्म हो चुकी है। और मैं एक और छोटा सा उदाहरण दूंगा और अपनी बात को समाप्त करूंगा अगर आपकी अनुमति होगी तो। जो हमारे घर में झाड़ू आती है उसकी जो आयु होती है वो 60 दिन होती है, और 60 दिन में हम उसे घिस घिस के झाड़ू मार के खत्म कर देते हैं। तो ये पार्टी तो 7 महीने से ज्यादा चल चुकी है, अब ये बिल्कुल खत्म हो चुकी है, लोग इसको बिल्कुल नकार रहे हैं। इस समय इसका चुनाव चिन्ह झाड़ू है, झाड़ू 60 दिन की आयु होती है, ये 60 महीने से ज्यादा रह चुकी है, अब इसको झाड़ू की जरूरत इस देश में किसी को भी नहीं है। जो फ्री का जो माल बांट रहे हैं ना उससे भी जनता ऊब चुकी है, क्योंकि जो फ्री का माल खाया है ना जनता ने उसके बदले उसको बहुत कुछ देना पड़ा। उनके जो घरों की कीमत है, जो 2-2 करोड़ होती थी उनके घरों की कीमत, आज वो 50-50 हजार रुपए रह गई, 50-50 लाख रुपए रह गई है, क्योंकि उनको खरीदने वाले वो अल्पसंख्यक लोग पहुंच चुके हैं। 2-2 करोड़ की मकान की कीमत 50 लाख रुपए, उन्होंने तो लिया कितना सरकार से फ्री में, ज्यादा 10-20-50 हजार रुपए का लिया होगा, और उसको कीमत कितनी चुकानी पड़ रही है, 1.5 करोड़ रुपए उन्होंने अपने मकान की कीमत कम कर दी है। इसलिए मैं जनता आपसे, आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से देश की जनता को बताना चाहता हूँ कि इस बहकावे में न रहें। इस बार सिर्फ और सिर्फ एक ही पार्टी है, वो है भारतीय जनता पार्टी, जिसके नाम में भारत पहले लगा हुआ है, वो भारत के हित की बात करती है। आपसे एक आखिरी सवाल है, क्या सुनीता केजरीवाल के आने से जो जनता के बीच में जा रही है, क्या जनता उनको एक्सेप्ट नहीं करेगी? बहुत 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 सुंदर बात आपने कही। सुनीता केजरीवाल, मैं एक आपको उदाहरण देना चाहूंगा, आपको अच्छे से पता है, आप भी मेरे उम्र के बराबर ही होंगे या 1-2 साल ऊपर या नीचे होंगे। आपको याद दिलाना चाहता हूं मैं बिहार का, बिहार में जब लालू प्रसाद जब जेल गए थे अपनी पत्नी राबड़ी को बिना किसी विधानसभा के पद के विधायक के होते हुए भी अपनी पत्नी को वो सीएम बना करके गए थे, क्योंकि एक नियम है कि 6 महीने अपनी पत्नी को बनाया जा सकता, उन 6 महीनों में एक विधानसभा का पद उनको कहीं ना कहीं से लेना पड़ेगा। लेकिन केजरीवाल जैसा धूर्त और लंपट व्यक्ति जेल चला गया सीएम रहते हुए, इससे बड़ा धूर्त कोई व्यक्ति हो सकता है? वो चाहता तो अपनी पत्नी को बना के जा सकता था ना। और अब आप बात कर रहे हैं सुनीता केजरीवाल कैसे बनेंगी, वो तो जेल में है, वो क्या जेल से बाहर आकर के मतलब पद सौंप के जाएगा इनको? नहीं जाएगा, वो जेल में ही रहेगा और अपना पद से इस्तीफा नहीं देगा। इसलिए जनता इस बात को देख रही है और जनता नाराज है। आप कह रहे हैं सिंपैथी नहीं है, बहुत बड़ी नाराजगी है। अरे उसको जाना था तो जेल से पहले रिजाइन करता, और इस पार्टी में कोई मंत्री, 7 मंत्री हैं, 7 मंत्रालय हैं दिल्ली के अंदर, 7 मंत्रालय में कोई ऐसा मंत्री, कोई ऐसा आदमी नहीं मिला उसको सीएम के योग्य, जबकि उसके पास कोई पद भी नहीं था, बिना किसी मंत्रालय के था वो सीएम अरविंद केजरीवाल। वो कह रहे हैं ना कि जेल का जवाब वोट से देंगे, तो फिर वोट से ही जब देना है तो फिर हाय हाय क्यों मचा रहे हैं, वहां पे मीठा क्यों खा रहे हैं, अपनी शुगर को बढ़ा क्यों रहे हैं वहां बैठ के? जब वोट से ही देना है तो तुम मजे से जेल में रहो, तुम्हारी जरूरत क्या है, रहिए जेल में मजे से। और वोट का इलेक्शन का टाइम चल रहा है, आपको पता चल जाएगा, आपकी एक सीट आती है तो मैं मान लूंगा आपकी पार्टी में दम है, और दिल्ली में अगर 7 की 7 बीजेपी की आती है तो उसको अपनी नैतिकता के आधार पर रिजाइन दे देना चाहिए। ये मेरा आपसे निवेदन है, और मेरी समाज को पहुंचाइए पूरे देश में, ये नैतिकता नहीं है। आपने नैतिकता पढ़ी होगी, हमारी उम्र में जब हम छोटे छोटे होते थे एक नैतिक शिक्षा का पाठ हमें अपनी क्लासों में पढ़ाया जाता था, आज वो नैतिक शिक्षा खत्म हो चुकी है, किसी स्कूल में नैतिक शिक्षा नहीं पढ़ाई जाती। तो आप तो समझ सकते हैं आपके अंदर नैतिकता के गुण भरे हुए हैं, मेरे अंदर भी भरे हुए हैं, तो नैतिकता के आधार पर भी वो आदमी रिजाइन देकर के नहीं गया, तो इससे धूर्त और लंपट व्यक्ति कोई हो सकता है? आप खुद समझदार है और फैसला भी आप ही करेंगे, और जनता फैसला कर चुकी है कि ऐसे धूर्त व्यक्ति को जो जेल में चला गया और रिजाइन नहीं देके करके गया, उस व्यक्ति को उन्हें सीएम बनाएंगे? नहीं बनाएंगे। इस बार 2025 में भी बहुत जोर शोर से, ताकत के साथ, बहुत बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में सरकार बना रही है। बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमार जी, बहुत अच्छा लगा, और दर्शकों से भी निवेदन है कि इस बात को आगे जनता तक पहुंचाएं। धन्यवाद। धन्यवाद।